आज एक भी शहीद होता है तो हमारा खून खौलता है कि सब भारत से आवाज आती है, बोले ये जालिम पाकिस्तान कब सुधरेगा, ये नापाक हरकतें करता ही रहता है। वैसे मुझे लगता है ये एक तो अजहर है, एक वो सईद है और एक वो डी कंपनी वाला है ना दाऊद। मैं तो कहता हूं इन तीन को ठिकाने लगा दो मोदी जी, पूरा पाकिस्तान अपने आप से धर जाएगा। सबके दिलों में तमन्ना तो यही है, और वैसे कोई बड़ा काम नहीं है, और मोदी जी इतने ताकतवर हैं मुझे लगता है काम कर ही देंगे। ये तीन को ठीक कर दो, बाकी तो पाकिस्तानी जो आम नागरिक है ना बेचारे, वो ज्यादा वो बुरे नहीं है। ये जो बुरे हैं ना थोड़े से लोग, अब जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में बुरे तीन चार लोग हैं, मैं तो कहता हूँ उनसे पहले यहाँ पर भी जो पांच सात बदमाश घूमते हैं जम्मू कश्मीर में, उनको ठिकाने लगा दो, हमारी सेना भी सुखी रहेगी, सीआरपीएफ भी सुखी रहेगी और ये हिंदुस्तान भी सुखी रहेगा। थोड़े से चंद बदमाश लोग हैं, इनको उठा करके पटक दो, मानवाधिकार देख लेंगे सब अपना आप। फालतू के चक्करबाजी, मानवाधिकार तेरा अधिकार है, हमारा देश का भी तो कोई अधिकार है, हमारे प्रधानमंत्री का भी तो कोई अधिकार है, हमारी सेना का भी तो कोई अधिकार है। आप लोगों को एक भी किसी शहीद का शव आता है तो आपका खून खौलता है। अरे 7 लाख से ज्यादा हमारे वीरों का, शहीदों का खून बहन इन विदेशी कंपनियों ने, इनको तो एक दिन में उखाड़ फेंको हिंदुस्तान से, ऐसा जज्बा होना चाहिए आपके भीतर।